मुझे पूज्य श्री के दर्शन करने का जोधपुर में अवसर मिला और मैंने पूज्य श्री को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बापूजी मैं रक्षा सूत्र मान सकती हूँ? गुरुजी ने बड़े प्रेम से पूछा, रक्षा सूत्र लाई हो? मैंने कहा, जी बापूजी लाई हूँ। और बड़े प्रेम और करुणा कृपा की मूर्ति बापूजी ने दायां हाथ आगे किया और मैंने 20 साल में पहली बार पूज्य श्री के कर कमलों में रक्षा सूत्र मानने का सौभाग्य जोड़ा। फिर मैंने प्रणाम किया बापूजी को और बापूजी ने जो आशीर्वादमय वचन दिए वो मैं आज अपने भाई बहनों को जरूर सुनाऊंगी। पूज्य बापूजी ने कहा कि यदि साधक चाहता है कि मैं ज्ञान के शिखर को पाऊं, मैं अपने लक्ष्य को पाऊं, जहां मेरे गुरु पहुंचाना चाहते हैं मैं वहां पहुंचूं, तो पूज्य श्री के पहले वचन थे कि वो चरित्रवान होना चाहिए। बापू ने कहा, चरित्रवान होगा तो समझो उसका मूल डल गया, उसकी बुनियाद डल गई, और जिसकी बुनियाद पक्की होती है उसकी इमारत गिरती नहीं है। जिसका मूल कच्चा होगा वो तो एक गाना सुनेगा तो फिसल जाएगा, एक पिक्चर देखेगा तो उलझ जाएगा, माया उसको कहाँ से झपेट लेगी उसे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए गुरुजी ने उस दिन पहला वचन श्रीमुख से कहा था कि चरित्रवान होगा तो ही लक्ष्य की ओर जाएगा। लेकिन बापूजी ने दूसरे शब्द उसके साथ जोड़े कि पहला सद्गुण हो कि वो चरित्रवान हो, दूसरा सद्गुण हो कि वो ईमानदार हो। गुरुजी ने कहा, चरित्रवान तो हो पर यदि मन में बेईमानी है, चलो भविष्य के लिए कुछ पैसा रख लेता हूँ, आगे क्या पता कुछ काम आए ना आए, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, तब उसने ईमानदारी खो बैठी। गुरुजी ने कहा कि अगर वो चरित्रवान है और ईमानदार है तो उसको लक्ष्य पाने से कोई रोक नहीं सकता। पर बापू के अंतिम शब्द सुनाऊंगी। गुरुजी ने वार्ता में अंतिम कहा कि चरित्रवान तो हो, ईमानदार तो हो, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर भगवान को कहे कि मुझे चरित्रवान तो रखिएगा, मुझे ईमानदार तो रखिएगा, पर मुझे इन दोनों का अहंकार नहीं देना। बापू ने कहा, चरित्रवान होना साधुवाद है, ईमानदार होना साधुवाद है, लेकिन इन दोनों का अहंकार आ गया तो वो उसी दायरे में घूमता रहेगा, फिर गुरु जो उसे बनाना चाहते वो कैसे बनेगा। तो अंतिम शब्द गुरुजी के ये थे कि चरित्रवान पहला सद्गुण, ईमानदार दूसरा सद्गुण, लेकिन भगवान को कहना मुझे इन दोनों का कभी अहंकार मत देना, यदि मुझे अहंकार देना भगवान तो मुझसे ये दोनों सद्गुण ले लेना, पर मुझे गलती से भी अहंकार बोलो